नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कविता और आप देख रहे हैं कविता टॉकीज। मेरे पिया वो मेरे पिया गए रंगून, पिया है वहाँ से टेलीफोन। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 40 और 50 के दशक की उस मशहूर गायिका की जिन्हें दुनिया शमशाद बेगम के नाम से जानती है। लता मंगेशकर और आशा भोसले आदि का युग शुरू होने से पहले भारतीय सिनेमा पर जिन गायिकाओं का दबदबा कायम था उनमें शमशाद बेगम प्रमुख थी। हम आपको उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी से जुड़े हर पहलू की जानकारी देंगे, लेकिन पहले डालते हैं शमशाद बेगम के शुरुआती जीवन पर एक नज़र। शमशाद बेगम का जन्म 14 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश भारत के अविभाजित पंजाब के लाहौर में एक मुस्लिम जाट परिवार में हुआ था। हालांकि हाल के वर्षों में कई रिपोर्टों में कहा गया है कि उनका जन्म अमृतसर में हुआ था, लेकिन खुद शमशाद बेगम ने अपने साक्षात्कार में यह स्पष्ट किया है कि उनका जन्म स्थान वास्तव में लाहौर था, जो अब अविभाजित भारत का एक हिस्सा था। उनके पिता एक मैकेनिक थे और उनकी माँ एक गृहिणी थी। उनका परिवार खासा भरा पूरा था और उनके 8 भाई बहन थे। नन्ही शमशाद को गाने का बड़ा शौक था। वो स्कूल में बेंच पर खड़े होकर टीचर और क्लास के दोस्तों की फरमाइश पर खूब गाती थी। बड़े होकर उन्होंने शादियों के साथ साथ धार्मिक आयोजनों और पार्टियों में भी गाया। हालांकि उनके पास कोई संगीत प्रशिक्षण नहीं था। उन दिनों वायरल होने के लिए यूट्यूब, व्हाट्सएप या फेसबुक जैसे साधन नहीं थे, लेकिन उनके गायन कौशल की प्रसिद्धि उनके श्रोताओं की जुबानी आस पड़ोस में खूब फैली। उनके पिता फिल्मों के पक्ष में नहीं थे, लेकिन चाचा अमीरुद्दीन उनके प्रशंसक थे। वो चाहते थे कि शमशाद खूब नाम कमाए और वो उन्हें एक म्यूजिक रिकॉर्ड कंपनी जेनो फोन के ऑडिशन के लिए भी ले गए। शमशाद बेगम ने एक इंटरव्यू में बताया था, अंकल मुझे उस ऑडिशन में ले गए जिसे जेनो फोन कंपनी के संगीतकार मास्टर गुलाम हैदर ने लिया था। ऑडिशन के दौरान मैंने बहादुर शाह जफर की एक गजल मेरा यार घर मिले मुझे जान दिल फिदा करूं और कुछ मर्सिया गाया। मास्टर साहब मेरी आवाज से प्रभावित हुए और उन्होंने मुझे उसी दिन अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। मुझे 12.5 रुपए के दर से 12 गाने गाने के लिए अनुबंध की पेशकश की गई थी, जो उस समय एक बड़ी धनराशि थी। वह उस समय लगभग 12 या 13 वर्ष की थी। गुलाम हैदर साहब ने उनके गायन कौशल को निखारने में उनकी खासी मदद की। शमशाद बेगम जी को वो अपना चौमुखिया कहते थे, जिसका अर्थ है एक चौमुखी प्रतिभावान कलाकार जो कोई भी गीत गा सकता हो। मेरे दिल में आइए, मेरी नजर में आइए। फिल्मों में कदम रखने से पहले शमशाद जी ने जेनो फोन म्यूजिक कंपनी के लिए कई भजन और लोकगीत गाए। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक पेशेवर गायिका के तौर पर उनका पहला गीत एक भजन था और रिकॉर्डिंग कंपनी ने उनका नाम उमा देवी रख दिया था। हालांकि अगली रिकॉर्डिंग में उनका नाम दोबारा शमशाद बेगम हो गया। इसी नाम के साथ उन्होंने धीरे धीरे रेडियो के लिए गायन में भी कदम रखा और संगीत निर्देशकों का ध्यान आकर्षित किया। 1930 के दशक में जब दिल्ली में रेडियो का दिल्ली केंद्र शुरू हुआ तो वहां से गाने का प्रस्ताव आया, लेकिन दूरी ज्यादा होने और तबीयत बिगड़ जाने की वजह से उन्होंने इनकार कर दिया। 1934 में महज 15 साल की उम्र में उन्होंने लाहौर के ही एक युवा हिंदू वकील गणपत लाल भट्टो से विवाह कर लिया। शमशाद बेगम साल 1932 में गणपत से मिली थी। उस जमाने में शादी छोटी उम्र में ही हो जाती थी। शमशाद के घर वाले भी उनके लिए लड़का ढूंढ रहे थे, लेकिन
शमशाद जिससे प्यार करती थी, जिसे पसंद करती थी, उसी से शादी भी करना चाहती थी। 1934 में देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, लाहौर से लेकर अयोध्या तक नफरत की आग में जल रहे थे, पर शमशाद बेगम और गणपत लाल भट्टो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। दो प्यार करने वालों को भला जमाने की क्या फिक्र। मैं रानी हूँ राजा की, राजा मेरा प्यार किसी को। दोनों के घरों और समाज में इस विवाह को लेकर बहुत विरोध हुआ और उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन इसने युवा गायिका के प्रगतिशील आदर्शों की भी गवाही दी। इसके बाद 1935 में रेडियो का पेशावर केंद्र शुरू हुआ तो वहाँ भी उन्हें बुलाया गया। शमशाद जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पेशावर थोड़ी दकियानुसी जगह थी और वहाँ उन्हें पहली बार बुर्का पहनना पड़ा था। 1937 में जब लाहौर रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई तो शमशाद वहाँ वापस आ गईं। यमला जट और गवंडी एक व गवंडी दो जैसी पंजाबी फिल्मों के लिए लगातार हिट गाने देने के बाद शमशाद ने 1941 की फिल्म खजांची से हिंदी फिल्मों में शुरुआत की। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे दलसुख पंचोली और संगीतकार थे शमशाद बेगम के मेंटोर गुलाम हैदर साहब। फिल्म में उन्होंने सभी गाने गाए जो खासे लोकप्रिय हुए। कहते हैं इस फिल्म में शमशाद जी के गाने चलते ही दर्शक पर्दे पर सिक्के उछालने लगते थे, लेकिन यह फिल्म लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री में ही बनी थी, अभी बंबई का सफर बाकी था। उन दिनों बंबई में देश की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री थी, जहां शमशाद बेगम की शोहरत पहुंच चुकी थी, वह भी उस दौर की सबसे बड़े निर्माता निर्देशक के पास। उन दिनों बंबई फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर के तौर पर महबूब खान एक बड़ा नाम थे, जो फिल्म तकदीर बनाना चाहते थे, जिसमें अभिनेता मोतीलाल के साथ 13 साल की नरगिस को लॉन्च करना चाहते थे। उस दौर की सबसे हिट गायिका नूरजहां की मैच्योर आवाज उनकी कमसिन अदाकारा से मेल खाती नहीं दिख रही थी। हम का फसाना किसको सुनाए, हम का फसाना। उन्होंने फिल्म खजांची के गाने सुने तो फौरन अपने सेक्रेटरी से कहा इसे अपनी अगली फिल्म के लिए बुक कर लो। सो उन्हें एक कमसिन और सुरीली आवाज की तलाश थी। सेक्रेटरी को शमशाद की खबर थी, उसने पलटकर जवाब दिया, साहब ये बुक नहीं होती। महबूब खान चौके, पूछे क्या मतलब। सेक्रेटरी ने बताया कि शमशाद लाहौर में रहती हैं और उनके पिता उन्हें बाहर जाने नहीं देते। महबूब खान अगले दिन की फ्लाइट से लाहौर पहुंच गए। वहां उन्होंने शमशाद जी के पिता से मुलाकात की और उन्हें समझाया कि वो अपनी बेटी को कुएं का मेंढक न बनने दें, बल्कि खुले समुद्र की मछली बनकर तैरने दें। उनके पिता ने महबूब खान की बात मान ली और इस तरह शमशाद बेगम का मुंबई दौर शुरू हो गया। फिल्म तकदीर में कुल 10 में से 9 गानों में शमशाद बेगम की आवाज थी। सभी गाने सुपर हिट हुए और इसके साथ ही उनका सिक्का बॉलीवुड में जम गया। फिर गुलाम हैदर साहब के भतीजे आमिर अली को नवयुग प्रोडक्शन की एक फिल्म मिली जिसका नाम था पन्ना। इसमें भी शमशाद के गाए गीतों ने धूम मचा दी। उन दिनों नूरजहां और सुरैया जैसी गायिकाओं को अभिनय के भी प्रस्ताव मिलते थे। शमशाद जी को भी फिल्मों में रोल ऑफर हुए, लेकिन उनके पिता को एक्टिंग करियर पसंद नहीं था, जिसका सम्मान करते हुए उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और उस पर ध्यान केंद्रित किया जो उन्होंने सबसे अच्छा किया, वह था गायन। चालीस के दशक के मध्य में शमशाद अपने पति के साथ मुंबई चली गईं। फिर तो उस दौर के सभी नामी गिरामी संगीतकारों ने उनके आगे कतार लगा दी। शमशाद बेगम लगातार शोहरत की नई बुलंदियां चढ़ रही थी। 1946 में आई फिल्म शिकारी शाहजहां और शमा में उनकी आवाज ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। उनकी आवाज में एक गजब की मिठास थी
और चुलबुलापन भी था। हालांकि उस दौर में नेजल गायकी की लोकप्रियता कम हो रही थी और लता मंगेशकर और आशा जैसी गले से गाने वाली गायिकाएं ज्यादा पॉपुलर हो रही थी, लेकिन शमशाद बेगम की आवाज में वो जादू था कि फिल्मों में उनका एक गीत भी दूसरी गायिकाओं के सभी गीतों पर भारी पड़ता था। उनकी आवाज दूसरी गायिकाओं की आवाज से अलग होकर खनकती थी, इसलिए उन्हें कई डुएट ऐसे दिए गए जो मेल सिंगर्स के साथ ना होकर दूसरी फीमेल सिंगर्स के साथ थे। महबूब खान साहब ने 1946 में जब अनमोल घड़ी बनाई तो उन्होंने अधिकतर गीत नूरजहां और सुरैया को दिए, लेकिन उनके एक ही डुएट गीत ने तहलका मचा दिया। यह गीत उन्होंने जोहराबाई अंबाले वाली के साथ मिलकर गाया था। हुए देश विभाजन के बाद भी शमशाद बेगम मुंबई में ही रह गई। तब तक वह संगीत प्रेमियों के लिए एक जानी पहचानी आवाज और फिल्म उद्योग में एक नाम बन चुकी थी। 1947 में संगीतकार श्री रामचंद्र साहब ने जब अंग्रेजी धुन पर आधारित गाना संडे के संडे तैयार किया तो उसमें शमशाद बेगम को भी कई अंतरे गाने का अवसर दिया। यह गाना उन दिनों बेहद लोकप्रिय हुआ था। फिल्मों के लिए गायन के अपने दौर में शमशाद बेगम ने नौशाद, ओपी नैयर, शंकर जयकिशन, एसडी बर्मन जैसे हर प्रमुख संगीत निर्देशक के साथ काम किया। बीबीसी को दिए एक साक्षात्कार में नौशाद साहब ने कहा था कि वह हमेशा मृदुभाषी रहती थी और निजी जिंदगी में बेहद संवेदनशील थी। उन्होंने 1949 में अंदाज का संगीत दिया तो एक गाने में लता मंगेशकर के साथ शमशाद बेगम को भी उतारा। डरना मोहब्बत कर ले, डरना मोहब्बत कर ले। लता मंगेशकर के साथ बराबरी का ये उनका पहला मौका था। इससे पहले के गीतों में शमशाद लीड गायिका होती थी और लता जी सपोर्टिंग या कोरस में। नौशाद साहब ने 1952 में आई फिल्म बैजू बाबरा का संगीत दिया तो उसने भी यही प्रयोग किया। दूर कोई गाए, सुने सुनाए, तेरे बिन चलिया। उस दौरान के दर्शकों का कहना था कि शमशाद बेगम की आवाज मानो दिल में उतर जाती थी। हालांकि शमशाद बेगम अपने एकांत प्रिय स्वभाव के लिए जानी जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्हें फिल्म उद्योग में आने वाले उतार चढ़ाव से वास्ता नहीं था। ओपी नैयर जब पहली बार उनसे मिले थे तब वो एक ऑफिस बॉय के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने शमशाद जी से अपनी पहली फिल्म के लिए गाने के लिए गुजारिश की तो वह फौरन तैयार हो गई। इतना ही नहीं, जब ओपी नैयर का लता मंगेशकर से विवाद हो गया और दूसरी कई गायिकाओं ने उनके साथ गाने को मना कर दिया तो शमशाद उनके बचाव में उतरी। 1941 से 1955 तक का दौर शमशाद बेगम के लिए स्वर्णिम दौर माना जाता है। तकदीर, हुमायूं, शाहजहां, अनोखी अदा, आग, मेला, पतंगा, बाबुल, बहार, जादू और आन जैसी कई फिल्में थीं जिनमें शमशाद बेगम लीड सिंगर या उसके समकक्ष रही थी। कहते हैं इस दौर में जो प्रोड्यूसर उनकी महंगी फीस का खर्च नहीं उठा पाते थे वो लता और आशा व उस दौर की दूसरी गायिकाओं से शमशाद बेगम की नकल कर गाने की डिमांड करते थे। शमशाद बेगम बेहद शर्मीले स्वभाव की थी, यहाँ तक कि अपने सबसे सफल होने पर भी वो मीडिया पब्लिसिटी से कतराती रही। वह शायद ही कभी पार्टियों में जाती थी और अगर गई भी तो कैमरे से दूर रहती थी। वो अपनी फिल्मों के प्रीमियर पर भी नहीं जाती थी, यही वजह है कि उनकी अधिक तस्वीरें उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने शुरुआत में अपने पिता की शर्त मानते हुए सिर्फ अपने काम से काम रखा और बाद में यही उनका स्वभाव बन गया। 1955 में अपने पति के निधन के बाद वो खबरों व सुर्खियों से और दूर हो गई। कहीं पे निगाहें
कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाह। कहते हैं तब ओपी नैयर ने उन्हें गायन के क्षेत्र में दोबारा वापस लाने के लिए एक मार्मिक अपील की थी। ओपी उनके जख्मों को कुरीदे बिना उन पर मरहम लगा गए। पत्रकार राजू भारतन ने अपनी किताब आशा भोसले अ म्यूजिकल बायोग्राफी में बताया है कि कैसे ओपी नैयर साहब ने शमशाद बेगम से अपने लिए गाने की अपील की। ओपी साहब ने कहा था, लता मंगेशकर इतनी शक्तिशाली हैं कि अगर आप मेरे बचाव में नहीं आई तो मैं खत्म हो जाऊंगा। इस पर शमशाद बेगम ने पलट कर कहा था, मैं तुम्हारे लिए जरूर गाऊंगी, लता मंगेशकर से कौन डरता है, कम से कम यह औरत तो नहीं जिसे शमशाद बेगम कहते हैं। शमशाद के गायन ने कई प्रतिष्ठित फिल्मों में संगीत को जीवंत कर दिया। 1956 में आई फिल्म सीआईडी के गीतों में ओपी नैयर साहब ने उनके और आशा भोसले की आवाजों को मिलाकर एक अनोखा प्रयोग किया था। इस फिल्म के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए थे। महबूब खान साहब ने अगले साल फिल्म मदर इंडिया बनाई तो संगीतकार नौशाद साहब से खास अनुरोध करके उन्हें 4 गाने दिलवाए। ये सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए और श्रोताओं के सर चढ़कर बोले। इन गीतों को आज भी बजाया जाता है तो उनमें एक नई ताजगी का एहसास होता है। भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक होली पर यूं तो हिंदी फिल्मों में असंख्य गाने लिखे और गाए गए हैं, किंतु होली का सबसे लोकप्रिय गीत शकील बदायूनी ने लिखा था। इस गीत को अपने समय के ख्याति प्राप्त संगीतकार नौशाद ने संगीतबद्ध किया। शमशाद बेगम ने इस गीत को अपनी सुरीली आवाज से सजाकर अमर बना दिया। फिल्म मदर इंडिया का यह गीत अभिनेत्री नरगिस पर फिल्माया गया था और गीत के बोल थे, होली आई रे कन्हाई रंग छलके, सुना दे जरा बांसुरी। इस गीत में गोपियां नटखट कृष्ण से गुजारिश कर रही हैं कि वो होली के मौके पर अपनी जादुई बांसुरी बजाना बंद न करें। यह गीत अपने समय के सबसे सफल गीतों में से एक था जो लोगों के हृदय पर छा गया था। होली आई रे कन्हाई, होली आई रे, होली आई रे कन्हाई रंग छल। 1957 में आई फिल्म नया दौर में भी उनका आशा भोसले के साथ मिलकर गाया गीत दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ। 1958 में मिलन, मालिक, नाइट क्लब, हावड़ा ब्रिज और दुल्हन जैसे फिल्मों में शमशाद बेगम ने अपनी आवाज से मानो समा बांध दिया। 1959 में आई फिल्में सावन, जागीर, भंगड़ा और दुनिया न माने प्रमुख थी। इन फिल्मों में शमशाद बेगम की मखमली आवाज ने दर्शकों की खूब वाहवाही बटोरी। वह अपने समय की सबसे अधिक मेहनताना लेने वाली गायिकाओं में से एक थी और आगे आने वाली युवा गायिकाओं के लिए मिसाल भी थी। हालांकि उनके कई शुरुआती गीत अब उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन रिपोर्टों में कहा गया है कि उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 6000 गाने गाए और करीब 2000 गाने रिकॉर्ड करवाए। 1960 से 1965 तक शमशाद जी ने तकरीबन हर साल 3-4 हिंदी और पंजाबी फिल्मों में गाना गाया। इस दौर में उन्होंने जिन प्रमुख फिल्मों में काम किया वो थे लव इन शिमला, चौदहवीं का चांद, मुगले आजम, घराना, शकुंतला, गुड्डी, ब्लफ मास्टर और लुटेरा। सोचा था क्या क्या हो गया, क्या हो गया। लेकिन इस दौर में उनके साथ इंडस्ट्री में एक अजीब साजिश होने लगी। उनके गीत हिट तो हो रहे थे लेकिन उन्हें काम मिलना कम हो रहा था। उनकी बेटी उषा रात्रा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी माँ के विरुद्ध एक लॉबी काम कर रही थी जो उन्हें मिलने वाली फिल्मों में म्यूजिक डायरेक्टरों पर दबाव डालती थी कि वो शमशाद बेगम जी से गाने न गवाएं। 1966 के बाद उन्होंने ज्यादातर पंजाबी गाने गाए। इस बीच उन्हें कुछ हिंदी फिल्में भी मिली लेकिन वो अधिकतर बी ग्रेड थी या फिर
उनके गाने लीड एक्टरों पर फिल्माए नहीं गए। उन्होंने 1971 तक गाने गाए, फिर अपनी बेटी उषा व दामाद कर्नल योगराज रात्रा के साथ मुंबई में रहते हुए गुमनाम जिंदगी जीने लगी। हालांकि इसके बाद वो इंडस्ट्री से दूर हो गई, लेकिन उनके गाए गाने 1980 के दशक तक रिलीज होते रहे। यह गायिका इतनी एकांत प्रिय थी कि जब 1998 में अभिनेत्री सायरा बानो की नानी, जिनका नाम भी शमशाद था, का निधन हो गया तो मीडिया ने इनकी मृत्यु की खबरें प्रकाशित कर दी। बाद में बीते हुए दिन नामक ब्लॉग से चर्चित शिशिर कुमार शर्मा ने उन्हें बड़ी मुश्किल से खोद निकाला। फिर प्रिंट मीडिया के चर्चित पत्रकार आनंद भारती ने इसे दैनिक जागरण अखबार में छपवाया तो तहलका मच गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी उनके इंटरव्यू का तांता लग गया। अपनी सुरीली आवाज से हिंदी फिल्म संगीत की सुनहरी हस्ताक्षर शमशाद बेगम के गानों में अल्हड़ झरने की लापरवाह रवानी, जीवन की सच्चाई जैसा खुदरापन और बहुत दिन पहले चुभे किसी कांटे की तरह रह रह कर उठने वाली टीस का सा एहसास समझ में आता है। उनकी आवाज की यह अदाएं सुनने वालों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करती है और उनके गानों की लोकप्रियता का आलम यह है कि आज भी उन पर रिमिक्स बन रहे हैं। शमशाद बेगम को 2009 में प्रेस्टिजियस ओपिनियन अवार्ड मिला और उसी साल उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। भारतीय सिनेमा में अपनी सुरीली आवाज से लोगों का दिल जीत लेने वाली मशहूर पार्श्वर गायिका शमशाद बेगम का निधन 23 अप्रैल 2013 को मुंबई में हो गया। शमशाद बेगम ने हिंदी फिल्म जगत से भले ही कई वर्ष पहले दूरियां बना ली थी, किंतु अपने पूरे करियर में बेशुमार और प्रसिद्ध गानों को अपनी आवाज दी। उन्होंने न जाने कितने ही अनगिनत गानों को अपनी आवाज से सजाकर हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। उनकी बेटी उषा के मुताबिक, मेरी माँ हमेशा यही कहती थी कि मेरी मौत के बाद, मेरे अंतिम संस्कार के बाद ही किसी को बताना कि मैं अब इस दुनिया से जा चुकी हूँ और मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जहाँ से आई थी वही वापस जा रही हूँ, मैं सदा सबके साथ हूँ। ये खनकती आवाज अब अपनी जुबान से गाए गए गानों से ही सबके दिलों को सुकून देगी। चमन में रह के वीराना, मेरा दिल होता जाता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपके पास शमशाद बेगम या अन्य किसी हस्ती से संबंधित कोई जानकारी हो तो वह भी दर्शकों से साझा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए। तो अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट कविता को इजाजत। नमस्कार।